तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ कृतिका। आज मैं आई हूं लॉन्ग बीच कैंप ग्राउंड, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर स्टेकेशन इन यूएई। तो यहाँ पे टेंट पे रहने का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है ये। इसके अलावा किड्स के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, बड़ों के लिए भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। सब कुछ दिखाने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पूरा रोड ट्रिप का मज़ा लेते हुए चलेंगे। लॉन्ग बीच कैंप ग्राउंड पड़ता है रसल खेमा में, दुबई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 100 टू 120 किलोमीटर्स है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस लोकेशन से ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे इजीली ड्राइव करके जा सकते हैं। तो एंटर करते ही यहाँ पे है रिसेप्शन, जहाँ पे आप चेक इन वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी सारी फ्री एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती रहती हैं, उनकी पूरी डिटेल्स टाइमिंग के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप अपना डे उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। फ्री जूसेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरह की बगीज अवेलेबल रहती हैं, जो आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन छोड़ देंगी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। कई कैटेगरीज़ के टेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप अपनी कन्वीनियंस और अपने बजट के हिसाब से अपना टेंट चूज़ कर सकते हैं। ये है सफारी सूट टेंट। तो इस टेंट में पूरे बेड्स वगैरह लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, अटैच्ड बाथरूम है। पेरेंट्स के लिए हमने ये रूम बुक कराया है ताकि उनको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो ये है डीलक्स टेंट यहाँ का, हम लोगों ने अपने लिए डीलक्स टेंट बुक कराया है। तो ये जो डीलक्स टेंट है, इससे समुद्र का व्यू बहुत अच्छा मिलता है, एकदम समुद्र के साइड में ये है। और जैसे ही आप टेंट ओपन करेंगे, पूरा समुद्र का एक ब्यूटीफुल सा व्यू आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या है इस टेंट में। तो ये डबल बेड और सिंगल बेड मैट्रेस रखी हुई है, लाइट्स है, फ़ैन है, टॉयलेट्रीज वगैरह है, वाटर बॉटल्स रखी हुई हैं। हेलो हेलो। और ये हमारे टेंट के गेट से पूरा ये बीच दिख रहा है, सो 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 ब्यूटीफुल। जो डीलक्स टेंट है उसमें अटैच्ड बाथरूम नहीं है, कॉमन वॉशरूम्स हैं, लेकिन वो भी काफ़ी साफ़ सुथरे रहते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इनको यूज़ करने में।
ये है बच्चों का स्विमिंग पूल। ये है यहाँ का पूल साइड बार। इन्फिनिटी पूल, यहाँ से आपको मिलेगा स्टनिंग व्यूज ऑफ एंडलेस बीच। के साथ ही यहां पे आपको मिलेगा प्राइवेट बीच एक्सेस, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सीरीन बीच विथ क्लियर वाटर एंड फैंटास्टिक वेव्स। काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि जेट स्की, कायकिंग, बनाना बोट राइड, डोनट राइड। अभी थोड़ी इवनिंग हो गई है इसलिए सब एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं, तो कल मॉर्निंग में हम ये सारी एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करेंगे। तो ये पूरा बॉनफायर का एरिया बना हुआ है। शाम के वक्त पे विंटर्स में काफ़ी ठंडा हो जाता है यहाँ पे, तो लकड़ियाँ वगैरह जला के आराम से आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। ये बैक साइड में किड्स प्ले एरिया बना हुआ है। So what's going on here? Ritvik, you're enjoying? giving. They are flying the kite. तो मूवी एट द बीच साइड इन द मूनलाइट, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे रात में एकदम समुंदर के बीचों बीच चलती है मूवी आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे इवनिंग में। तो टेंट का एक्सपीरियंस, प्राइवेट बीच का एक्सपीरियंस, बीच साइड मूवी, बीच साइड ब्रेकफास्ट डिनर के साथ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती रहती हैं बड़े और बच्चों के लिए। तो नज़र मारते हैं उन एक्टिविटीज़ पे जो हमने इंजॉय की यहाँ पे।
more. Very nice. Okay, so we're gonna have this one down. Yes, and shoot. Yes. Wow. If the glade's moving, just yeah. Press it down. Okay. Press it down. Have a move. You have to control on the on both sides, and while controlling it, you have to push it down. Push your clay down. The clay should stick in the middle of your plate. तो नाइट में हम लोगों ने यहाँ स्टे किया और जब सुबह उठने के बाद आपको एक समुंदर का ब्यूटीफुल सा व्यू मिले तो मतलब दैट इज़ अल्टीमेट. हाँ तो चलिए अब चलते हैं बीच साइड गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करने. देखते हैं क्या है यहाँ पे ब्रेकफास्ट के आइटम्स में. मॉर्निंग. तो सैंड टॉयज से बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं. ये भी इन्हीं लोगों ने प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट. काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे हैं. मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ के लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे पैकेज में इंक्लूडेड हैं, जैसे कि काइकिंग इंक्लूडेड है. तो हम यहाँ पे काइकिंग का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं. तो चलिए फिर चलते हैं. तो
खूब इंजॉय किया हम लोगों ने। बहुत ही बढ़िया जगह है सभी लोगों के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, बैचलर्स के लिए, आप फ्रेंड्स आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आ रहे हैं, उन लोगों के लिए, सब के लिए ये एक परफेक्ट स्टेकेशन की जगह है। हमारे पेरेंट्स आए थे, उन लोगों ने भी इस जगह को खूब इंजॉय किया। उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था जिसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं थी टेंट में रुकने में, क्योंकि बेड्स वगैरह थे, वॉशरूम थे, सब फैसिलिटीज़ के साथ खूब इंजॉय किया गया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।